मैंने प्रोड्यूसर तो नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा कि कोई भी नक्शा पास कराया हुआ घर जो बनता है उसमें ऑफसेट कोई नहीं छोड़ता, आप पता करवा लीजिए झांसी में। तो अगर सरकार चाहेगी तो किसी के साथ अन्याय कर सकती है? तो ये अन्याय किया जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हाथरस वाली घटना में सपा के नेताओं का हाथ है, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं हाथरस वाली घटना। वही तो मेरा दुख है जी कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में गलत बयान दे रहे हैं, और ये नहीं कहा कि उनके सांसद उनके लोग उनके साथ चलते थे। और उससे बड़ा मामला बहुत सिंपल मामला है, अगर वो समाजवादी पार्टी का था तो कम से कम एक वोट तो समाजवादी पार्टी को मिलेगा उस गाँव में। अरे जिस गाँव में 0 वोट समाजवादी पार्टी को मिलता हो उसमें समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहां से होगा? और फिर बीजेपी का आप जानते नहीं आईटी सेल, किसी को भी आतंकवादी बना देते। आप खिलाफ लिख दो अभी आप मुगत में रह जाएंगे। कोई पत्रकार ईमानदारी से सच लिख देगा और सरकार को पसंद नहीं आया अभी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लग चुके अगले साल अगले चीज समस्या समस्या क्या है कि अगर आपसे सवाल पूछो तो आप कहते हो उनकी आदमी हो। नहीं 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 और उनसे पूछो तो आप कहते हैं मुकदमा दो।